वेलकम टू जीरो से जीनियर्स तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के 25 इम्पॉर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अभी के एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम इस क्विज टेस्ट में पॉलिटी के लगभग 10 सवाल को लेकर के आए हैं, जिससे आपको आगामी एग्जाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। इसलिए आप इस क्विज टेस्ट को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तिरुपति। क्वेश्चन नंबर टू, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर तीन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग टू। क्वेश्चन नंबर फोर, उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं यानी कि सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस फॉलो करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? हिस्ट्री के अच्छे सवाल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर एट, मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर नाइन, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद वन। क्वेश्चन नंबर टेन, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग फोर के क में। क्वेश्चन नंबर इलेवन, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य भाषा संविधान के
किस भाग से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 17। क्वेश्चन नंबर 14, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 15, दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है? बाल श्रम पर रोक लगाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 18, कौन एक फसल रेशादार फसल नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरहर नहीं है, कपास, सन और जूट रेशादार फसल है। क्वेश्चन नंबर 19, हैजा रोग किसके कारण होती है? अनेकों बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋण आवेशित। क्वेश्चन नंबर 21, गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? पॉलिटी के सवाल बहुत पूछा जा रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, आपको याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 23, पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अच्युत राय के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 24, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 25, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण रोडेशिया। एक सवाल आपसे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए Q4U और इसका राइट आंसर। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप चाहे तो हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हो सके एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि ये इसके पिछले एपिसोड को आप नहीं देखे हैं तो आप चाहे तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आपके लिए चैप्टर वाइज क्यू टेस्ट शुरू किया गया है कल से। कल 1857 के विद्रोह पहला वीडियो था, आज आपका
भारत में मुस्लिम आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं उस क्वेश्चन को बना करके क्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाए गए हैं। तो दिन में आपके चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन क्यूज के वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसे आप देख लीजिए। देखने से आपका चैप्टर वाइज भी तैयारी हो जाएंगे और ये तो मिसलेनियस चलेगा ही। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।